आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंदा। देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। जोशीमठ में प्रभावितों को 1 लाख का मुआवजा एडवांस, लोगों को शिफ्टिंग के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। प्रभावित 723 परिवारों को दिया जाएगा 1.5 लाख का मुआवजा। इमारतों को नहीं ढाया जाएगा। जी आपको बता दें कि बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का गेट वे कही जाने वाली आदि शंकराचार्य की तप्ती स्थली जोशीमठ की भूमि लगातार धस रही है। अब तक दरार वाले भवनों की जो संख्या वो बढ़कर 723 पहुंच गई है। इनमें से 86 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित कर लाल निशान लगा दिए गए हैं। आज इन भवनों को ढहाने की कार्यवाही शुरू होगी। प्रभावित 723 परिवारों को 1.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये अंतरिम सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा 2 होटल को ही डिसमेंटल किया जाएगा। ऐसे में अब अन्य मकानों को नहीं ढहाया जाएगा। प्रशासन के साथ लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। रायबरेली में दर्दनाक हादसा। गुमटी को रौंदते हुए नहर में गिरा डंपर, 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में बुधवार की सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना इलाके में बुधवार सुबह घने कोहरे की वजह से बेकाबू डंपर खगिया खेड़ा गांव के पास बैठे लोगों को रोनते हुए नहर में गिर गया। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। अब तक 3 लोगों के ही शव मिल पाए हैं। पंजाब में सरकार अफसरशाही की तकरार। सीएम भगवंत मान की हड़ताली। पीसीएस अफसरों को वार्निंग, 2 बजे तक ड्यूटी पर न आए तो सारे सस्पेंड। लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए की विजिलेंस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद से पंजाब के पीसीएस अधिकारी स्ट्राइक पर हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी अधिकारियों को चेतावनी जारी करते हुए 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सीएम भगवंत मान ने आज सुबह ही एक आदेश जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और स्ट्राइक पर हैं। वे सरकारी अधिकारी के खिलाफ करप्शन के चार्ज में उठाए गए सख्त कदम से खफा है। उन्हें सीएम स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। बिहार में पुलिस पर हमला। बक्सर में पावर प्लांट का विरोध कर रहे किसानों को पीटा तो पुलिस पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। ग्रामीण बुधवार सुबह लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी गई। प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से बीच बीच में पत्थरबाजी भी हो रही है। 4 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं। ग्रामीण हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला। कहा देश का माहौल बिगाड़ दिया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। इससे पहले पार्टी सांसद और पूर्व चीफ राहुल गांधी सुबह फतेहगढ़ साहिब में उन्होंने माथा टेका। राहुल गांधी ने लाल रंग की पगड़ी पहनकर माथा टेका। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि हमने सोचा कि इस यात्रा को भारत के सबसे बड़े मुद्दों नफरत, हिंसा और बेरोजगारी और महंगाई को उठाना चाहिए। इन मुद्दों के खिलाफ लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वह भाजपा एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ दिया है। हमने सोचा कि देश को मोहब्बत, एकता, भाईचारे का रास्ता दिखाना चाहिए, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें Facebook पर या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।